आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने ना गोल गोल घूमना है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं और शाहरुख जा रहे हैं आज शॉपिंग पे। और हम लोग कहाँ जाने की शॉपिंग करने जा रहे हैं? हो रही है। अरे भाई क्या ये अभी नहीं दिखाना है? क्यों भाई, बाद में, ये एंड में दिखाएंगे आप लोग को हम लोग। तो अभी चलते हैं तो शॉपिंग हम लोग पे, कहीं जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और आप लोग इस व्लॉग में लाजमी देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ की शॉपिंग करने जा रहे हैं। चलें अब। यस, फाइनली हम निकल चुके हैं जाने के लिए और बस देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं हम लोग। और शाहरुख, नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। आज मैंने इनको सोने नहीं दिया, इनको सोना था। बाकी अच्छा ये बताओ मुझे क्या खिलाओगे? मुझे तो बहुत ज्यादा अभी भूख गए हैं, नहीं शॉपिंग करी नहीं है अभी, तुम्हें खाने का तो मुझे भूख लग रही है। खुद तो सुबह उन्होंने नाश्ता किया है माशाल्लाह से, बिरयानी खिला। हाँ यार, वैसे मेरा दिल भी चाह रहा है। चलो भाई, तो पहली जगह दिखा देती हूँ कि मैं हम लोग किधर आए हैं। तो ये देखें आप, अब तो पूरा आइडिया हो गया होगा शाहरुख लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख की सबसे पहले जो हमने शॉपिंग की, शाहरुख का एहराम ले लिया, स्लीपर ले ली, और क्या लिए? स्लीपर नहीं लिए भाई, वो फ्री में मिली है, मैं अपने और नहीं यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं कुर्तुबा अपने अबाए के लिए। अपने नहीं, तुम्हारे अबाए के लिए। वही मतलब मेरे सरकार, अपने अबाए लेने आ गई हूँ कुर्तुबा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अबाए बहुत अच्छे होते हैं, वैरायटी भी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। तो मुझे अपना एक अबाया अभी तक पसंद आया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है अबाया। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? 7,500। 7,500 इसके पैसे हैं, जो कि बहुत ही कोई कम लग रहे हैं। और बाकी मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो हलीमा अब आया है वो है आपके पास? क्यों, वो क्यों नहीं है? वो इतना इंडी है ना, जिसमें निदा फैब्रिक। अच्छा, और बाकी इसके अलावा कुछ मुझे दिखाएं जो और डबल उसमें चलते हैं कलरफुल में। मैं आप लोग को बाकी दिखाती हूँ, उनके पास अबाय की वरायटी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा सर, इसकी क्या प्राइस है? अच्छा, पैसे आपके बार्गेनिंग है या मुनासिब, मतलब एक ही रेट है, फिक्स रेट? बार्गेनिंग नहीं है। अच्छा भाई, बार्गेनिंग नहीं है इनके पास। मैं आप लोगों को बाय दिखा देती हूँ और कौन कौन से बाय इनके पास। अच्छा, ये वाला भी प्यारा लग रहा है। और इसकी क्या प्राइस है? 4,500। चले भाई, अभी तक मुझे एक कोई समझ आया पैसों के मामले में, 4,500 इसके बता रहे हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं अपने लिए कौन सा लेके, और आगे और शॉप में भी विजिट करती हूँ। वहाँ पर तो अबाया कुछ ज्यादा ही ओवर रेटेड है ना शायद। हम लोग आ रहे हैं पान, यहाँ का पान बहुत अच्छा है, चटनी पान। चटनी पान उसमें चटनी डालेंगे। भादरवाद का सबसे मशहूर पान है ये। कौन सी शॉप है? शॉप बताएं। और भादरवाद पे है, सबको पता है। मेरे लिए भी बनवाओ एक। कैसा है? हाँ बहुत टाइट। मैंने नहीं खाया भाई, पता नहीं कौन सा चटनी पान है, चटनी बटनी डाल देंगे पान में। हाँ यार, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्राइस है, किसी और शॉप में चलते हैं। आ गई है दूसरी शॉप पे अबाय की, तो चलते हैं यहाँ पर, देखने कुछ समझ आता है। यहाँ पर मुझे फिर से एक और वही वाला अबाया पसंद आया, मैं दिखाती हूँ। और क्या प्राइस है इसकी? 15,000। क्यों इतना महंगा क्यों है ये? अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाएं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हैवी भी ना हो, सिंपल भी ना हो, नॉर्मल कलर में भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। इसकी क्या प्राइस है? हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसमें और कौन कौन से कलर्स है? कलर दिखाए इसमें भाई। अब आया पसंद आ जाए, मुझे पसंद तो आ रहा है पर रेट थोड़े से हाई है। लाइट कलर है मतलब सारे इसमें, तो ये देखें आप लोग, इसमें लाइट लाइट कलर है। बाकी इसकी प्राइस आपने 3,500 बताइए ना। अच्छा, रेट आपकी बार्गेनिंग है या फिक्स प्राइस है? अच्छा भाई, बार्गेनिंग भी है यहाँ पर। मुझे ये वाला वाया पसंद आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसकी क्या प्राइस बताएगी भाई आपने? 3,500। और इसमें कलर भी बहुत ज्यादा है, ये कलर है इसमें बहुत सारे। तो शाहरुख आप बताओ कैसा लग रहा है? सब एक जैसे लग रहे हैं, एक सारे एक जैसे लग रहे हैं। यस, और व्हाइट कलर में आपके पास बस ये वाला अब आया है? नहीं, इतने खुले वाले मत दिखाएं, जैसे इस टाइप के ना, इस टाइप के मुझे दिखाएं, तो फिर संभालना कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हाँ, ये वाला भी प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसमें और कलर्स हैं? अच्छा,
अच्छा, और इसकी क्या प्राइस है भाई? ये वाले 25 2500। तो मुझे ये वाला अबाया पसंद आ गया फाइनली, मैंने पहन के भी देखे, बहुत अच्छा। क्या प्राइस है इसकी भाई? 3500। चलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सही है। मुझे वो वाला मैंने अबाया पहना, पर पहन के समझ नहीं आ रहा था। ज्यादा चला रही ना घर जाके, रुक बहुत तमीजी करो। शाहरुख ने मुझे एक ये वाला कहा था तो मैंने ले लिया भाई। अच्छा लग रहा, आप कह रही है अबाया ढीला बहुत है, तो अबाया ढीला नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें घेरे तो वो नमाज में फंसेगा पैरों में। पैंट शर्ट पहन के कर लो, उम्रा क्या हो? यहाँ बदतमीजी ना ज्यादा क्या करें हम लोग, लड़के लोग आराम पहने रहे, हम रो रहे हैं। असल मैंने अपना सेकंड अबाया भी ले लिया, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वो मैंने लिया व्हाइट कलर का, शाहरुख की फरमाइश पे, ये देखे आप लोग। और एक मैंने अभी वेयर करके भी देखा था, तो ये बहुत ही कोई ज्यादा प्यारा लग रहा है। और इनकी शॉप पर बहुत ही कोई प्यारे प्यारे अबाये भी हैं, और कलर भी बहुत ही अच्छे। चारों का कुछ खा लेते हैं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खाने का ऑप्शन था ऐसा, यहाँ पे हाँ। यहाँ पे आपको फ्राइड चिकन मिलेगी, यहाँ पे आपको बन कबाब मिलेगा, सही है। और यहाँ पे फूड ब्रेक है, उसका खाना भी बहुत अच्छा है। सिंगापुरियन राइस अच्छे होते हैं। चलो फिर फूल ब्रेक देखते हैं। तो बिरयानी भी होती है यहाँ पे, आपको बिरयानी भी मिलेगी, खौसे भी मिलेंगे, और मंचूरियन भी मिलेगा, सीट फूड भी मिलेगा। हमें ज्यादा तंग तो नहीं किया आज आपको? आज इस लड़की ने हमें जितना तंग किया है ना, मैं कभी भी नहीं किया ऐसा तंग। हाँ, बस अपनी बारात के शरारे में किया था ना। मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो सारा पागल हो जाता। चलो यार, कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। फिर उसके बाद हमें लेना है बैग और स्लीपर्स और शाहरुख की सलवार कमीज और टोपी। अब हम आ गए हैं आइडियाज और जा रहे हैं शाहरुख की सलवार कमीज का कपड़ा लेने के लिए। फिर शाहरुख देंगे उसको स्टिच करवाने, और वो सिएगा, फिर वो कैंची से काटेगा, पूरी कहानियां सुना दो सारी। बदतमीजी ना क्या करो, ज्यादा समझ जाए। मैं करूंगी लंबी, मेरी आदत है लंबी करने की। वाली शॉपिंग करने आए मैडम, ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है। अभी मैं बिल कराता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ। अभी और पसंद करने थे ना आप, अभी मेरी शॉपिंग पे आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शॉपिंग जीरो तो मौका चाहिए अपनी शॉपिंग के लिए। बहुत जब तक शादी हुई है ना, मुझे एक सैंडल बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, वो ब्लैक वाली, वो देखो, वो दिला देना प्लीज। सब खरीद लो तुम, दुनिया जानेगी जी। जब से शादी हुई है, और अच्छे काम, इतनी प्यारी जगह जा रहे हैं तो हम तो शाहरुख ने अपनी अभी दो शलवार कमीज निकलवा ली हैं, ये देखें आप लोग, एक ब्राउन एंड पर्पल, और अब ब्लैक निकलवा रहे हैं शाहरुख। बहुत सुना ब्लैक है घर पे, अच्छा। और मुझे एक ये वाला कलर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये पिस्ता कलर, पर शाहरुख ये वाला नहीं ले रहा। ये पिस्ता ले लें। अब जो इतना महंगे ड्रेसेस लेना अपने, वो भी अनस्टिच, तो मुझे वो वाली सैंडल दिलाओगे अभी आप? कौन सी? वो ब्लैक वाली, मुझे लेनी है तो लेनी है, मैं बताती हूँ कौन सी। चलो अभी कल लाके, ये वाली अभी के बाद खत्म हो गया स्टॉक। नहीं खत्म, कल खरीद। अच्छा, ना कितने की है पूछो? ये वाली पूछो आप, उसको बताओ सैंडल क्या हुआ, खरीदो ना, क्या हुआ? नहीं, अच्छी नहीं लगती आप। लेना वेना कुछ होता नहीं वाला ड्रेस, अच्छा लग रहा है ग्रीन वाला, ले जाओ। हाँ, दिला रहा हूँ, जाओ। पक्का? हाँ पक्का। चलो मैं दिखाती हूँ, इसकी बिलिंग करवाऊँ, कैसा लग रहा? नाइट ड्रेस है ये तो, नाइट नहीं, ये बाहर पहनने का है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, खरीद लो। अच्छा तो लग रहा है वैसे यार, लाओ बिलिंग कराओ फिर। ओके डन। क्या हुआ, आपने कहा कि ये नाइट ड्रेस है? तो वो था ही नाइट ड्रेस, सब बताएंगे कमेंट में, पागल। आप लोग कमेंट में बताएगा कि वो नाइट ड्रेस था या वैसे पहनने का था। मैं तो वैसे, और ये नहीं समझना कि मैंने इसको दिलाया नहीं है, मैंने मुंह बनाया, मैं इसको मना वना नहीं करता। मैंने तो कहा कि ले लो, मैंने खुद ही नहीं लिया, बस ये ड्रामा है, बस खरीदना इतना कुछ भी होता है। कहाँ चलना है यार, एक मसला हो गया। क्या? मेरी चप्पल टूट गई। सच बताएं? हाँ। दिखाएं? अभी शायद मोची वाला है तो सामने, ये रहा। अरे नहीं भाई, शायद मेरे शूज रखे हुए गाड़ी में। हाँ तो अब एक बात बताएं, वॉशरूम की चप्पल पहन के आओगे तो ऐसे ही होने है ना। यहाँ गर्मी इतनी हो रही है, अभी क्या शादी। मैंने कहा अभी के शूज पहनो, वरना मैं शादी से पहले अपने घर में भी शूज पहन के रहता, क्योंकि मैंने कहा था। और अब शादी जब से हुई तो एकदम ही, मतलब साहब इसने कहा था, मैं जब ये पैदा भी नहीं हुई थी, मैं तब भी पहन के रहता। चप्पल टूटी वाले, जाओ चप्पल चेंज करके। क्या हुआ, मिली? वाह भाई वाह, खरीद के आता हूँ। 14 स्ट्रीट? हाँ यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं,
आज देसी खाने खाएंगे भाई यार, तो मैं खौसे खिला दूंगा, मैं 14 चीट खाऊंगा। जिस जगह जा रहे थे खौसे खाने, तो वो वाली जगह तो बंद है फिलहाल, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं हरमैन शरीफ है हांडी खाने, और यहाँ की हांडी बहुत मशहूर है यार। मुझे मेरी बात कम्प्लीट नहीं करने देते हो, बहुत चांद तक लेके यार, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हांडी कौन सी है जो क्या ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर कर रहे हो? बटर चिकन हांडी। आमने सामने जो बैठ रही हाँ। सही है, कभी कभी आमने सामने भी बैठना चाहिए। शादी से पहले क्या बोल रहे थे कि शादी से पहले तुम क्या बोलती थी यार, कभी आमने सामने भी बैठा करो, अच्छा लगता है सब आमने सामने बैठे, कभी तुम्हारी बात मान लो। नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम बदल गए हो मुझे मारने। तो भाई यहाँ मैं ऐसे ही बैठा हूँ, आपको इधर बैठना चाहिए था ना। ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने नोटिस भी नहीं किया, हमें यही नोटिस कर रहे थे। कब किया नोटिस? मैंने कहा तो नोटिस किया, कुछ जान के बैठा हूँ आपके सामने। हाँ बस सही है, ठीक है, ऐसे बजाते हैं लोग शादी के बाद। ओ भाई क्या हो गया, पूरे रास्ते गाड़ी में बराबर में बैठ के आया तुम्हारे। क्या पीछे बैठती अभी का बंदा बैठ गया थोड़ी हवा की चक्कर में, तुम भी आगे बैठ गए। फाइनली भाई आ गई है हमारी हांडी, है देखें ये बटर है, बटर है या ऑयल है? ये बटर है, ये देखो। ओह वाह भाई, ये खा के तो हम हमती डंती हो जाएंगे, हो गए हैं, हो गए हैं। जल्दी से मुझे वैसे एक बाइट आप करवाओगे टेस्ट, ताकि मैं रिव्यू दे सकूं जल्दी से। ये बहुत चीज वाला है, चिकन का है इसमें। अच्छा ये रही चिकन, बहुत चीज वाला आइटम, गरम तो नहीं होगी? गरम होगी, मधोश हो गया खाकर, बहुत मजे के। कैसे खाना हमने खा लिया है, बाकी ये बहुत ज्यादा टेस्टी तो थी, पर हैवी तो भाई बहुत ही कुछ ज्यादा कि हमसे नहीं खाई गई। अब हमने ये पार्सल करवा लिया, और आप लोग भाजरा बात आए पराठा खा लिए, कोई नहीं आपने खाया माशाल्लाह 150 तो नहीं तो बता रहा हूँ, तो मेरा क्यों बोला? हाँ 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 नहीं नहीं तीन, बाकी आप लोग अगर यहाँ पर आए तो इधर लाजमी विजिट करेगा, और इनकी ये वाली हांडी लाजमी खाइएगा। सो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ एक बहुत बैड सीन हो गया है, जो मेरा बाया वाला शॉपर था ना, वो शाहरुख भूल कर आ गए गुलाम अहमद पे। चलो हर बार ये अच्छा नहीं लगता, हर बार आप भूल जाते हो। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। दिया था आपने, भूली? सही है यार मैं भूल गई, पर दिया किसने था शॉपर? आपने दिया था। अब हम लोग करवा रहे हैं बाइकिया, तो बाइकिया हमें ला कर देगी, और वो बाइकिया को देखा गुलाम अहमद वाला? मुझे बताओ यार, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं आप लोग को अपना बाया दिखाऊंगी, मैं खुद पहन के देखूंगी। हमेशा शाहरुख भूल जाते हैं। अब इसी के साथ मैं करने लगी हूँ अपना आज का व्लॉग एंड, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। शाहरुख जी, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ पे? बादराबाद। बहुत अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, क्लिफ्टन, जहाँ पर हम लोगों ने ना गोल गोल घूमना है। सबसे पहले तो ए? गोल गोल घूमना है। पीएफ म्यूजियम में जा रही हो क्या? अरे नहीं ना, और एक जगह पे हमने ना बहुत तेज तेज चलना भी है, और आपने भागना है। क्या हो गया, कहीं जू जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे पागल हमरे पे जा रहे हैं। चल जल्दी। नहीं यकीन, ये देखो किसके खर्चे पर सरप्राइज कौन दे रहे हैं? दे दो तुम दे। ओहो कल 24 तारीख को? हाँ। तुमने टिकट करवा ली? जी हाँ, मैं कह रही थी ना आपसे, और वापसी की डेट तो देखो आप, 3 अगस्त। तो क्या समझे इससे? इससे क्या समझा, यही कि 3 तारीख को वापस आ रहे। पागल, आपकी 2 अगस्त को बर्थडे, तो आपका बर्थडे सरप्राइज है ये। अच्छा तो मतलब सब कुछ, टिकट, वीजा, होटल, सारी चीजें तुम सब? टिकट्स मेरी तरफ से, आपका बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। आप खुश हो? दिख नहीं रहा, इतनी तबीयत खराब है, इतनी मुश्किल से हंस रहा हूँ मैं। तो भाई ये था मेरा सरप्राइज शाहरुख के लिए, छोटा सा। आपको अच्छा लगा ना वाकई? और किसको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, इससे अच्छा दुनिया में क्या होता है। तो बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, कल हम लोग जा रहे हैं उमरे पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और मैं आप सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखूंगी।